तो जैसा कि आपको पता है, हमने 20 खोजें तो पिछले वीडियो में कर ली थी। सबसे पहले तो जाकर वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली खोज की ओर। 20 खोजें और लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादन किया? तो गति के जो जड़त्व का नियम है वो गैलीलियो द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तथा गति के नियम किसने दिया था? गति का नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। आप देख रहे हैं, जड़त्व गति का जो जड़त्व का प्रतिपादन है वो गैलीलियो ने दिया था, है। तथा जो गति के नियम है वो न्यूटन ने दिए थे। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का जो बर्ड्समैन है वो किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर सलीम अली जी को भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सलीम अली जी के बारे में कुछ सुन लेते हैं। सलीम अली जी थे ने भारत का बर्ड्समैन 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार दिया गया, इसी से इनका नाम बर्ड्समैन पड़ा सलीम अली जी का। कौन सा? 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार। आनुवंश की खोज किसने की थी? तो आनुवंश की कोट की खोज, जैसा कि हमें पता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनके बारे में हम कुछ सुन लेते हैं। इन्होंने 1968 में इन्हें अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अमेरिकी सह 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? तो टेलीस्कोप का निर्माण, जैसा कि हम सबको ही अंदाजन पता होगा, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? तो ये गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप। लाइसोसोम की खोज किसने की? ये लाइसोसोम की खोज के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो ये डी डुबे ने लाइसोसोम की, सी डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? लाइकेन की जो खोज है वो तुलास ने, लाइकेन की खोज किसने की? तुलास ने लाइकेन की खोज की। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है ल्यूमेनहॉक ने जीवाणु के बारे में बताया था। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। कोसवा शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? कोस्का का जो है रॉबर्ट हॉक ने, मैं चलो कोस्का के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, कोस्का मृत कोस्काओं के बारे में रॉबर्ट हॉक ने बताया था, ना कि सजीव। सजीव के बारे में स्वाइडन एवं स्वान ने बताया था। तो इस ये मृत कोस्काओं को रॉबर्ट हॉक ने, पलिकें अगर कोस्का की खोज आएगी तो रॉबर्ट हॉक ही लगा देंगे। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज है जो बेटिंग एवं बेस ने इंसुलिन की खोज की। इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग एवं बेस ने इंसुलिन की खोज की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले को। गामा किरणों की खोज किसने की? गामा किरणों की जो खोज है कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता, पॉल बिलार्ड ने गामा किरणों की खोज की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज का जो टीका है उसकी खोज लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की। प्राकृतिक परण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने द्वारा प्रतिपादित किया गया? नेचुरल सिलेक्शन का नियम का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज, जैसा कि हमें पता है, ऑक्सीजन की खोज कई लोगों को पता होगा, सीले और प्रेस्टली, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण आविष्कार जो नियम का आविष्कार किया था गुरुत्वाकर्षण का, जैसा कि हमको सबको पता होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हमने पढ़े होंगे।